महाशिवरात्रि व्रत कथा प्रारंभ। भगवान शिव की महिमा सुनकर एक बार ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपकी अमृतमय वाणी और आशुतोष भगवान शंकर की महिमा सुनकर तो हम परम आनंदित हुए। हमें कोई शिव जी से संबंधित उत्तम व्रत की कथा सुनाकर विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषिगण, सावधान होकर आप लोग सुनिए। मैं यहाँ एक ऐसी प्राचीन कथा कह रहा हूँ जो किसी समय नारद जी से भगवान विष्णु ने कही था। यह एक निषाद की ऐसी अद्भुत कथा है जो प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाली है, साथ ही जो उत्तम शिवरात्रि का विधान है वो दृष्टांत रूप में सुनिए। में प्राचीन काल में गुरुद्रह नामक एक भील निषाद था जो व्याघ्र का कर्म किया करता था। वो भील महाक्रूर एवं बलवान भी था। वो प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता था और अपने परिवार का पालन पोषण व्याघ्र वृत्ति द्वारा किया करता था। साथ ही घोर वनों में छिपकर चोर डाकू का कर्म भी करता था। किसी समय दैवयोग से सुंदर महाशिवरात्रि तिथि आ गई, परंतु उस मूर दुरात्मा को इसका पता न था। वो अपने कुकर्म में व्यस्त उस घोर जंगल में ही मस्त रहा। तब उसी शिवरात्रि वाले दिन उसकी माता, पिता एवं स्त्री ने भूख से तड़पते हुए उससे कहा, अरे वनचर, हमें भोजन दो, आज तो घर में कुछ भी आहार नहीं है। बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने पर वो व्याघ्र धनुष बाण लेकर शीघ्र ही वन में मृगादि पशु पक्षियों के शिकार के लिए निकल पड़ा। चारों ओर वन में घूमने पर भी उसे दुर्भाग्यवश कोई शिकार हाथ न लगा। इसी प्रतीक्षा में संध्या हो चली। जब सूर्यास्त होने लगा तब वो बड़ा दुखी एवं चिंतित हो गया। वो मन में सोचने लगा, हाय, आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ न कुछ मुझे साथ में शिकार लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना व्यर्थ है। ऐसा सोच विचार कर वो व्याघ्र किसी जलाशय के तट पर गया और वहीं बैठ गया। वो अपने मन में सोचने लगा, हो जल पीने के लिए यहाँ अवश्य कोई न कोई जीव जंतु आएगा, ठी तब उसे मार कर मैं अपने घर ले जाऊंगा और प्रेम पूर्वक अपने कार्य में सफल होऊंगा। ऐसा विचार कर वो भील किसी एक बिल्व वृक्ष पर जाल लेकर बैठ गया और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। देखें कितनी देर में कोई जंतु जल पीने के लिए आता है और कब मैं उसे मार कर कृतार्थ होता हूँ। इस विचार से वो भूख प्यास से पीड़ित होता हुआ भी वहीं एक डाल पर छिपकर बैठ गया। उसी रात के प्रथम पहर में एक मृगी आ पहुंची। वो अत्यंत त्रिषित एवं चकित सी थी, क्योंकि वो छलांगे भरती हुई अकेली ही आ रही थी। विष्णु जी कहते हैं, हे नारद, उसे आता देख वो व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उसे मारने के लिए उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। अब उसे वो मारना ही चाहता था कि इस बीच संयोगवश उसके पात्र का जल तथा कुछ बिल्व पत्र नीचे को आ गिरे। वहाँ उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग गड़ा था। इस प्रकार अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा दैवश स्वयं हो गई, अर्थात उस पात की व्याघ्र द्वारा भी शिवलिंग अर्चन जल एवं बिल्व दल के साथ हो गया। उस पूजा के प्रताप से उस पापी के सभी पाप उसी समय नष्ट हो गए। उस समय जल के गिरने एवं पत्तियों के खड़खड़ाने की आवाज सुनकर वो हिरणी भय से चकित हो गई और व्याघ्र को पेड़ पर देखकर घबरा सी गई और उससे पूछने लगी, हे व्याघ्र, तुम यहाँ क्या करना चाहते हो, सो मुझसे सही सही कहो। तब हिरणी की बात सुनकर व्याघ्र कहने लगा, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है, इसलिए तुझे मार कर उन्हें संतुष्ट करूंगा। ऐसे कठोर वचन सुनकर तथा भन्य कर व्याघ्र को देखकर मृगी सोचने लगी, हाय, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब प्राण बचाने का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोच विचार कर वो मृगी वहां उस व्याघ्र से कहने लगी, हे व्याघ्र, यदि मेरे इस शरीर के मांस से तुझे सुख प्राप्त हो तो इससे बढ़कर महान पुण्य और क्या होगा। मैं निसंदेह धन्य हो जाऊंगी जो किसी के उपकार का साधन बनूंगी, क्योंकि इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो, उपकार करने वाले कृत्य का जो पुण्य कहा गया है
उस पुण्य के फल का वर्णन कोई सैकड़ों वर्षा में भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि हे वंचर, मेरी एक प्रार्थना सुन लो। देखो, मेरे घर में बहुत से मृग छौने हैं जो अभी बच्चे हैं। उन्हें मैं अपनी बहन को सौंप कर अवश्य मेवाऊंगी। मेरा वचन तुम मिथ्या मत समझो, मैं अवश्य अपना वचन सत्य करने के लिए तुम्हारे निकट आऊंगी, तुम तनिक भी संदेह मत करो। सूत जी कहते हैं, हे मुनियो, इस प्रकार मृगी द्वारा समझाने पर भी उस व्याघ्र ने जब उसका वचन नहीं माना, तब चकित एवं भयभीत होकर उस मृगी ने प्रतिज्ञा की। हे व्याघ्र, सुनो, अधिक क्या कहूँ, यदि मैं अपने घर जाकर तेरे पास न आऊं तो मुझे वही दोष पातक लगे जो कृतघ्न तथा हरि विमुख प्राणी को लगता है। और भी सुनो, हे निषाद, विश्वासघाती तथा छल कपट करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं घर जाकर पुनः न लौटूं। इस प्रकार अनेक प्रकार से शपथ द्वारा मृगी ने जब व्याघ्र को विश्वास दिलाया, तब व्याघ्र ने विश्वस्त होकर कहा, अच्छा अब तुम जाओ और शीघ्र लौटना। व्याघ्र के वचन से प्रसन्न हुई हिरणी जल पीकर अपने निवास स्थान को चली गई। तब तक उस व्याघ्र का प्रथम पहर बिना अन्न जल एवं निद्रा के ही बीत गया। इसी बीच उस हिरणी की बहन दूसरी मृगी भी जल पीने के लिए वहीं आ पहुंची। उसे देखकर भील ने भी पूर्ववत उसके ऊपर बांध छोड़ना चाहा। तब पुनः उसके पात्र से जलधारा तथा कुछ बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर आ गिरे। उस समय पुनः प्रसंगवश दैवश महाप्रभु शंकर की पूजा हो गई। यह द्वितीय प्रहर की शिव पूजा व्याघ्र को सुख देने वाली सिद्ध हुई। यह देखकर वो मृगी उस व्याघ्र से बोली, है वंचर, यह तुम क्या कर रहे हो? व्याघ्र ने पर्ववत उससे जो कुछ कहा उसे सुनकर वो नवागता मृगी बोली, है व्याघ्र, सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा यह देह धारण करना सफल है, क्योंकि मेरे इस अनित्य एवं अधम शरीर से एक महान उपकार कृत्य होगा। किंतु मेरे छोटे छोटे छौने जो घर पर हैं, उन्हें मैं अपने गृह स्वामी पति को अर्पित करके पुनः अवश्य लौट आऊंगी। यह सही जानो, मुझे अब जाने दो। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा। व्याघ्र की बात सुनकर हिरणी ने शपथ पूर्वक पुनः कहा, है व्याघ्र, सुनो, मैं सत्य वचन कहती हूँ, यदि न आ सकी तो वचन तोड़ने का प्रायश्चित मुझे लगेगा, उससे मेरा पुण्य नष्ट होगा। हे व्याघ्र, जो विष्णु भक्त होकर के शिव की निंदा करता है उसे जो पातक लगता हो वही मुझे लगे, यदि मैं पुनः न लौटूं। जो मानव माता पिता की श्राद्ध तिथि का श्राद्ध नहीं करते उनको जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, अथवा वचनबद्ध होकर जो पचता पचता कर वही काम करता है तजन्य जो पाप होता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं कहकर भी पुनः न लौटूं। सूत जी कहने लगे, है मुनियो, मृगी की ऐसी बातें सुनकर व्याघ्र ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। उसने कहा, अच्छा तुम जाओ, शीघ्र लौटना। तब वो मृगी भी जल पीकर प्रसन्न होती हुई अपने स्थान को चली गई। तब तक रात्रि का दूसरा पहर भी बिना अन्न जल के तथा सोए बिना ही व्यतीत हो गया। इसी बीच जब तृतीय पहर बीतने लगा और मृगी के आने में देर होने लगी, तब वो व्याघ्र चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हो गया। इसी बीच उस व्याघ्र की दृष्टि जल पीने के लिए आते हुए एक मृग पर पड़ी। वो निषाद उस हृष्ट पुष्ट मृग को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया, अतः उसने धनुष पर बाण चढ़ाकर झट उसे मारना चाहा। उसी समय उसके ऐसा करते ही दैवयोग से पुनः कुछ जल एवं बिल्व पत्र उस शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे तृतीय पहर की पूजा सौभाग्यवश हो गई। यह भूत भावन शिव की अहेतु की कृपा थी। वहां पर उस शब्द को सुनकर मृग ने कहा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? तब उस व्याघ्र ने कहा, अपने परिवार के पालन के लिए तुम्हें मैं मारना चाहता हूँ। सूत जी ने कहा, है मुनियो, व्याघ्र की बातें सुनकर वो प्यासा मृग चिंतित होकर उस व्याघ्र से इस प्रकार कहने लगा, हो मैं आज धन्य हूँ,
जो मेरा यह पुष्ट शरीर संसार की तृप्ति के लिए काम आएगा, क्योंकि जिसका शरीर परोपकार में न लगा उसका सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया। जो सामर्थ्य पाकर भी दूसरे का उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य व्यर्थ है, वो परलोक में अवश्य नरकगामी होता है। इसलिए हे व्याघ्र, इस समय मुझे छोड़ दो। मैं अपने उन छोटे छोटे बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर तथा उन्हें धैर्य देकर पुनः शीघ्र ही लौटूंगा, इसमें तनिक भी संदेह न करो। उस मृग के निष्कपट भाव से ऐसा कहने पर वो व्याघ्र अपने मन में अत्यंत चकित होकर तत्काल पवित्र मन वाला हो गया और उसके सभी पातक नष्ट हो गए। तब वो पुनः मृग से इस प्रकार कहने लगा, इसके पूर्व भी जो जो मृग आए वे सभी तुम्हारे ही समान मुंह से कहकर अभी तक पुनः लौटे नहीं। यह कितनी भारी प्रवंचना है। उन्हीं वचनों की भांति तुम भी इस संकट काल में प्रिंड छुड़ाने के लिए झूठ बोलकर चले जाओगे। तब है मृग, भला तुम ही बताओ मेरी आजीविका कैसे चलेगी, क्योंकि मेरे कुटुंबी भी भूख प्यास से घर पर तड़पते होंगे। तब मैं कैसे विश्वास करूं? यह सुनकर मृग ने कहा, है वंचर सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं हूँ। देखो हे व्याघ्र, ये समस्त ब्रह्मांड सत्य के बल पर ही टिका है, क्योंकि इस संसार में जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसके सभी पुण्य तत्काल क्षीण हो जाते हैं। तो भी हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा निश्चय ही सुन लो। देखो, जिसके मुख से शिव शब्द न निकले या समर्थ्य होते हुए भी परोपकार न करे, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ने तथा अभक्ष्य भक्षण करने में जो पाप होता है वो मुझे लगे थे निषाद, जो शिवजी का पूजन नहीं करते, जो बिना भस्म त्रिपुंड लगाए ही अन्नाहार करते हैं, ऐसे पापियों का दोष मुझे लगे यदि मैं जाकर पुनः न लौटूं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मृग की सत्यवाणी सुनकर व्याघ्र ने उससे भी कहा, अच्छा जाओ पर शीघ्र ही लौट आओ। यह सुनकर मृग ने वहां जल पिया और चल दिया। मृग ने आकर व्याघ्र का वचन सबसे कह सुनाया। तब उन सभी मृगों ने आपस में विचार करके एक मत होकर संगठित रूप से अपने स्थान पर ही प्रतिज्ञा कर ली कि सत्य से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है, अतः हम लोगों को सत्य पाश से नियंत्रित होकर निश्चय ही वहां जाना चाहिए। तब वे सभी मृग अपने बालकों को वही धैर्य प्रदान करके व्याघ्र के पास चलने को तैयार हो गए। उस मृग की कई पलियां थी, उनमें जो सबसे बड़ी थी उसने पहले अपने स्वामी से कहा, हे स्वामी, आप यहीं रह जाएं, क्योंकि आपके बिना यह बच्चे कैसे ठहर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने वहां सर्वप्रथम जाने की शपथ ग्रहण की थी, इस कारण मुझे ही पहले वहां जाना चाहिए, आप यहीं रहिए। उसकी यह वाणी सुनकर छोटी मृगी बोल उठी, प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, अतः मैं ही वहाँ जा रही हूँ, आप यही रहें। उसकी विनती सुनकर मृग ने पुनः कहा, नहीं नहीं, वहाँ मुझे ही जाना चाहिए, तुम दोनों यहाँ ने पर रह जाओ, क्योंकि शिशु रक्षा का कार्य माता ही भली भांति कर सकती है। अपने स्वामी का वचन सुनकर उन मृगियों ने प्रेम से कहा, नहीं प्रभु, यह भारतीय धर्म मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी के रहते पति पहले मरे, क्योंकि बिना पति के स्त्रियों के वैधव्य जीवन को धिक्कार है, हम सभी चलेंगे। ऐसा विचार विमर्श करके वे मृगी तथा मृग अपने बच्चों को धैर्य देकर तथा उन्हें अपने सहवासी किसी अन्य पशु को सौंपकर सभी वहां शीघ्र चले गए। जहां वह निषाद था, उनके चले जाने पर हिरणी के बच्चे भी उनके खुर चिन्हों का अनुसरण करते हुए उछलते कूदते वहां तक जा पहुंचे, क्योंकि उन मृग छौनों ने अपने मन में ठीक ही सोच लिया था कि उनकी जैसी गति होगी वैसी ही हम लोगों की होवे। उन मृग झुंडों को देखकर व्याघ्र बड़ा प्रसन्न हुआ, अतः उन्हें मारने के लिए ज्यों ही धनुष पर तीर चढ़ाया, त्यों ही पूर्ववत पुनः कुछ जल एवं पत्ते उस शिवलिंग पर गिर पड़े, जिससे उस रात्रि के चौथे पहर की पूजा अचानक हो गई। इस प्रकार उस व्याघ्र के सभी पातक क्षण भर में जलकर भस्म हो गए, अर्थात वो निषाद अब निष्पाप हो गया। उस समय उन दोनों मृगियों तथा उस मृग ने साथ ही कहा, हे व्याघ्र वर,
आप कृपा करके हम लोगों के जीवन सार्थक करें। सूत जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार उन मृगों के वचन सुनकर व्याघ्र दुष्प्राप्य सद्ज्ञान का भागी बन गया और अपने मने में सोचने लगा, अहो, ये मृग धन्य है जो ज्ञानहीन पशु होते हुए भी संगठित हैं और अपने शरीर को त्याग करके भी परोपकार परायण हो रहे हैं। हाँ हंत, खेद की बात है कि मैंने मनुष्य जीवन पाकर भी कौन सा पुण्य कमाया, क्योंकि आज तक दूसरों के शरीर को कष्ट देकर ही तो मैंने अपने शरीर को पाला पोसा। यही नहीं बल्कि अनेकानेक पापों द्वारा नित्य अपने परिवार का पालन पोषण किया। हाय, जन्म भर अपने किए हुए दुष्कर्मों का कैसा कुफल मैं पाऊंगा। इस समय इस प्रकार चिंता करते हुए मेरे इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार सद्ज्ञान उत्पन्न होने पर उस व्याघ्र ने अपना बाण एवं धनुष उतारते समय कहा, हे श्रेष्ठ मृगगण, तुम धन्य हो, अतः आनंद पूर्वक अपने स्थान की हुए उस ओर जाओ। सुखजी कहते हैं, हे भुनियो, व्याघ्र के ऐसा कहने पर शिवजी ने उस पर प्रसन्न होकर उसके द्वारा अनजाने में भी पूजित अपने सर्वमान्य दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस व्याघ्र को अपने हाथों से स्पर्श करते हुए शिवजी प्रेम पूर्वक बोले, हे प्रिय निषाद, तुम्हारे इस विचित्र शिवरात्रि व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांगो। उस समय वो व्याघ्र भी साक्षात शिव के दर्शन से तत्काल मुक्त हो गया और मैं सब कुछ पा गया। ऐसा कहते हुए शिवजी के आगे उनके चरणों पर गिर गया। तब शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर गोप नाम प्रदान करते हुए कृपा दृष्टि से देखते हुए अनेक उत्तम वरदान दिए। उसे शिवजी ने कहा, हे निषाद राज, सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में जाकर उसे मैं अपनी राजधानी बनाओ और अनेक प्रकार के दिव्य यथेष्ट दुर्लभ भोगों का उपभोग करो। देखो हे निषाद, निर्विघन वंश वृद्धि देवताओं द्वारा भी प्रशंसित है। तुम्हारे तप से पवित्र तेरे घर में किसी समय श्री राम भी निश्चित ही आवेंगे। मेरे भक्तों के साथ स्नेह रखने वाले वे राम आकर तुम्हारे साथ मैत्री करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित वाले तुम अवश्य देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवृंद, इसी बीच श्री शंकर जी का दर्शन कर वे सभी मृग तत्काल पशु योनि का परित्याग करके विमुक्त हो गए, अर्थात दिव्य विमान पर दिव्य शरीर से बैठकर वे सभी मृग उसी समय पूर्व शाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उधर पुनः विष्णु भगवान नारद से कहने लगे, हे मुने, वहां अर्बुद पर्वत पर शिवजी व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन एवं पूजन मात्र से शिव भक्तों को भुक्ति मुक्ति करके भगवान राम की अनुकंपा से शिव सायुज्य प्राप्त कर संसार से मुक्ति हो गया। इस प्रकार अज्ञानतावश भी उसने शिव व्रत के प्रताप से यदि सायुज्य मुक्ति तक को प्राप्त कर लिया तो फिर अन्य भक्तों की क्या कथा है, वे तो तन्मय होकर साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए हे मुने, सब शास्त्रों को विचार कर तथा अनेकानेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के विचित्र एवं पवित्र यज्ञ भी हैं, सर्वोत्तम व्रत भी है। यद्यपि यहाँ अनेक व्रत विधान अनेक तीर्थ दान तथा अनेक प्रकार के जप तप संयम नियम भी हैं, तथापि उनमें कोई भी इस शिवरात्रि व्रत के समान नहीं है। यह शास्त्र पुराणों का निश्चित निर्णय है, इसलिए अपनी भलाई चाहने वालों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का पालन अवश्य करें, क्योंकि यह दिव्य शिवरात्रि व्रत सर्वदा साधक को भुक्ति मुक्ति देने वाला है। सुख जी कहने लगे, हे ऋषिवृंद, यह कल्याण प्रद शिवरात्रि व्रत मैंने आप लोगों को सुना दिया, जो संसार में व्रतराज के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों ने पुनः पूछा, हे सुख जी, अभी आपने मुक्ति की चर्चा की है, उसमें क्या होता है और मुक्त पुरुषों की कैसी दशा स्थिति होती है, यह भी हम लोगों को बताइए। तब सूत जी ने कहा, है मुनियों, सावधान होकर सुने, मैं कह रहा हूँ, संसार के क्लेश आवागमन को हरने वाली तथा परमानंद देने वाली वो मुक्ति चार प्रकार की कही गई है। एक, सारूप्य, भगवान के समान रूप होना।
दो सालोक्य भगवान के लोक में रहना, तीन सानिध्य भगवान के निकट पार्षद बनकर रहना, चार सायुज्य मुक्ति भगवान में मिल जाना। यह चौथी मुक्ति शिवरात्रि व्रत से प्राप्त होती है जो चारों में उत्तम है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।